हमने ये पैन लिया है और इस पैन में जब ये पैन गरम हो जाए तो ये 1/4 कप देसी घी लिया है। इसको अच्छी से हम मेल्ट करेंगे और ये मैंने अब यहाँ पे 1/2 कप रूम टेम्परेचर पे मिल्क लिया है। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे लो फ्लेम पे। दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 कप मिल्क पाउडर लिया है। इसको हम धीरे धीरे करके बैचेज में जो है इस दूध और घी के मिक्सचर में डालेंगे। इसको हम 3 बारी में करके डालेंगे धीरे धीरे ताकि लम्स ना पड़े इसमें, और इसको इसी तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे धीरे धीरे से। यहाँ पे मैंने ये 1/3 कप पाउडर शुगर ली है। पाउडर शुगर लेना अच्छा रहता है, वैसे तो आप जो हम डेली रूटीन में शुगर यूज़ करते हैं आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने पाउडर शुगर ली है। इससे ये थोड़ा जल्दी से मिक्स हो जाती है इसके साथ। अब यहाँ पे मैंने कार्डमम पाउडर लिया है, इलायची का पाउडर है, ये 1/4 टीस्पून है। इसको भी हम अच्छे से इसके साथ मिक्स करेंगे। ये देखिए अब हमारा जो ये मिक्सचर है बर्फ़ी का ये तैयार हो गया है। देखिए पैन को किस तरीके से ये इसने छोड़ दिया है, तो यानी कि अभी पैन के साथ नहीं लग रहा है, तो ये हमारा मिक्सचर जो है ये हमारा रेडी हो गया है। देख और हम ये ट्रे लिए है, इसको ट्रे को हमने ग्रीस करना है अच्छी तरीके से। ऑयल से कर सकते हैं आप या देसी घी से कर सकते हैं, जैसे हम बेकिंग करते हैं जब हम केक की, तो उसके लिए हम केक टिन जो जैसे तैयार करते हैं उसी तरीके से हमने इसमें ऑयलिंग करना है। और ये हमने मिक्सचर अपना जो है इसके अंदर हमने डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके ये मिक्सचर देखिए किस तरीके से अच्छे से सेट हो गया है। ये आप स्पैचुला की हेल्प से इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और अब इसको स्पून हम लेंगे, स्पून की बैक साइड से भी इसको हम अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं। आप बैक साइड जो स्पून की होती है उससे भी थोड़ा प्रेस कर करके इसको इस तरीके से आप स्मूथ बना दीजिए। और इसको हम गार्निशिंग करेंगे और बादाम से इसकी गार्निशिंग करेंगे। और हम अब एक स्पून लेंगे, स्पून की बैक साइड से भी हम इसको जो है अच्छे से प्रेस करेंगे अपने मिक्सचर को बर्फ़ी के ये बादाम और पिस्ता, ताकि इसके साथ ये अच्छे से सेट हो जाए, हमें कटिंग करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसको हमने 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखना है रूम टेम्परेचर पे। अब देखिए दोस्तों हमारा जो ये बर्फ़ी का मिक्सचर ये रेडी हो गया है। 1 घंटे के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है इसको हम कट करके अलग से निकाल देंगे। अब हम थोड़ी सी मार्किंग करेंगे इसकी। हमने मार्किंग कर दी है और ये मार्किंग करने से उसके बाद हमने ये पीस देखिए कट किया है। अब आप देखिए बिल्कुल बाजार जैसी लुक लग रही है बर्फ़ी की। देखिए बिल्कुल थिकनेस वैसी है और जैसे दिखने में अच्छे लग रहा है वैसे खाने में भी इतना ही टेस्टी है। आप इंजॉय